गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग का समय है और बस मैं अपने बालकनी में घूम रही थी और मैं आपको वो पत्ते दिखा रही थी, वो अरवी के पत्ते थे जिसके पकौड़े बनाते हैं। और ये देखिए कितना अच्छा मेरा फ्लावर खिला है और आपके उसके ऊपर वाइट वाइट से डॉट्स दिख रहे होंगे ना, तो एक्चुअली कुछ पौधों में ना कीड़े लग रहे थे तो मैंने ना उसमें स्प्रे करवाया है। आज पानी से उसको वॉश करूँगी सारों को, क्योंकि कीड़े भी लग जाते हैं बीच बीच में किसी किसी प्लांट्स में, तो वही मैं उसको आज क्लीन करूँगी। और फिर इसके बाद मैं अंदर आ गई और आज आपके साथ एक बहुत अच्छी रेसिपी शेयर करूँगी, फ्राइड फरा रेसिपी। ये करवा चौथ के दिन हम लोग के यहाँ फरा बनाए जाते हैं ना, नए चावल के आटे का, और इसमें अंदर दाल स्टफ़ किया जाता है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी डिश होती है। तो करवा चौथ के दिन हम लोग बनाते हैं तो एक्स्ट्रा ही होता है, तो इसको हम लेफ्ट ओवर को फ्राई करके जब खाते हैं ना तो इसका बहुत अच्छा अमेजिंग टेस्ट आता है। तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही थी, क्योंकि बहुत सारे लोग बनाते हैं तो जो लेफ़्ट ओवर बचता है ना उसको अगर आप इस तरीके से खाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग टेस्ट लगता है। और एक प्लेन वाला भी फरा बनता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, वो भी मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। एक तो चावल के आटे का होता है ना तो फ्राई करने से क्रिस्पी भी हो जाता है और टेस्टी भी लगता है खाने में। तो वही मैंने सोचा चलो बच्चा है तो यही मॉर्निंग में नाश्ता भी कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, आप जैसे चाहो वैसे कट कर सकते हो, आप इसको बड़ा भी कट कर सकते हो। बस छोटा करने से क्या होता है ना, मसाला अच्छी तरह से सब जगह कोट हो जाता है और खाने में टेस्टी लगता है। तो बहुत ज़्यादा बना था एक्चुअली, करवा चौथ के दिन मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी तो ज़्यादा नहीं खाया गया था, तो थोड़ा सा ही खाए थे तो बहुत ज़्यादा बच गया था। तो मैंने कहा चलो दो दिन दूसरे दिन खा लेंगे। और ये देखिए ये प्लेन वाला है, ये मैं दिखा रही थी, ये भी बनता है ना, तो इसे भी कई डिज़ाइन में आप बना सकते हो, गोल गोल भी बना सकते हो, मैंने थोड़ा चेपटा कर दिया है तो इस तरीके से इसे बना सकते हैं हम। और चंद्रमा भी बनाया जाता है हमारे यहाँ करवा चौथ के दिन, उसी को ले कर हम लोग पूजा करते हैं। एक्चुअली ना उस दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, करवा चौथ के दिन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बट मैंने बोलते ना भगवान का आशीर्वाद रहता है, तो फिर तबीयत शाम तक 7 बजे के बाद मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हुई, फिर मैंने ये बनाया क्योंकि ज़रूरी था ये चीज़ बनाना, फिर मैंने बनाया उसको। तो भगवान के एक नाम से कोई चीज़ करो ना तो ज़रूर वो सही हो जाता है। तो फिर मेरी तबीयत ठीक हो गई थी तो मैंने बना लिया था। तो ये देखिए मैंने तेल में ना हमें राई डालना है, जीरा डालना है और करी पत्ता डालना है, और ये लंबी लंबी मैंने मिर्ची काट लिया है, जो मिर्ची लवर है वो मिर्ची भी खा सकते हैं। तो ये मैंने डाल दिया है और बस ज़्यादा चीज़ें इसमें, ज़्यादा मसाले वगैरह इसमें नहीं गिरते हैं, थोड़े से मसाले इसमें डाले जाते हैं बट बहुत टेस्टी लगता है। तो इन सबको हमें थोड़ा सा सॉटे कर लेना है, तो और इसके बाद फिर इन सबको हमें जो हमने कट किया था ना फरा बोलते हैं, फरे को सबको डाल देना है हमको। और फरा की जो प्रॉपर रेसिपी है ना वो तो मैं शूट नहीं कर पाई थी, आपको बताया था तबीयत ठीक नहीं था, तो उसकी रेसिपी प्रॉपर मेरे चैनल पर है और मैंने उसको शायद कम्युनिटी पे डाला भी है, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो, या फिर आप मेरे इसमें सर्च करके भी देख सकते हो फरा की रेसिपी। बस डिफरेंस इतना है कि वो मैंने विंटर्स में लास्ट ईयर बनाया था ना तो मटर डाल के बनाया था, मटर वाली रेसिपी थी, और ये चना दाल की रेसिपी है। चना दाल थोड़ा सा उड़द मैंने डाला था शुभ करने के लिए, बट मोस्टली मैं चने दाल का ही बनाती हूँ। और चने दाल में इसमें लहसुन नहीं डालती हूँ, अदरक, काली मिर्च और हरी मिर्च, धनिया, बस यही चीज़ें डालती हूँ। अगर आप नॉर्मल डेज बना रहे हो तो लहसुन भी डाल सकते हो आप, ठीक है, बट इसमें मैंने नहीं डाला था, उस दिन मैंने बिना लहसुन प्याज का ही खाना बनाया था। तो बस इसमें मैंने देखो नमक डाल दिया है, और नमक के बाद हमको इसमें डाल देना है थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर से क्या थोड़ा सा कलर भी आ जाता है और अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। तो नमक, लाल मिर्च पाउडर, और आप देख रहे होंगे चाट मसाला रखा है, चाट मसाला डालूंगी और थोड़ा सा इसमें डालना है, अभी बताऊंगी मैं। तो ये देखिए मैंने चाट मसाला भी डाल दिया है, और अगर आपके पास लेमन हो, नींबू हो तो नींबू भी आप डाल सकते हो, बट मेरे पास नहीं था शायद तो मैंने चाट मसाला ही डाल दिया है। और फिर इन सबको डालने के 5 मिनट लगता है इस रेसिपी को, क्योंकि ना थोड़ी क्रिस्पी होती है ना तभी अच्छी लगती है। आप चाहो तो इसे छान भी सकते हो, डीप फ्राई भी कर सकते हो, वो जल्दी हो जाता है, बट डीप फ्राई में क्या बहुत ज़्यादा तेल हो, ऑयल हो जाता है ना, इससे अच्छा हम उसको शैलो फ्राई कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा तेल भी आ जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो बट आप कर सकते हो, मैंने बता दिया, आप कर सकते हो आप ऑयल में डीप फ्राई भी, ठीक है।
तो बस मैंने चाट मसाला डाल दिया, थोड़ा कम लगा तो और डाल दिया चाट मसाला। और उसके बाद इन सबको अच्छे से हमको फ्राई देना है। और मैं इसमें मिला लूँगी लास्ट में थोड़ा सा टमाटो केचप। टमाटो केचप मैं इसमें मिलाऊँगी ताकि एक हल्का सा कोटिंग सारे मसालों में आ जाए और बहुत अच्छा सा एक टेस्ट, हल्का सा खट्टा मीठा आता है तो बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। तो इसमें थोड़ा सा टमाटो केचप आप डाल लेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए केचप भी डाल दिया है और मैं इसे अच्छी तरह से फिर मिला लूँगी, मतलब सब मिला के टोटल टाइम इसको 5 मिनट लगता है फरा को फ्राई करने में, है ना। तो ये लेफ्ट ओवर का बहुत अच्छा मेकओवर है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। और बस देखते देखते ये हमारा हो जाएगा। अभी इसको चाय के साथ खाइए, टिफ़िन बॉक्स में अभी अगर बचा है तो आप टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हो तो अच्छा लगता है ये। बट मेरे बेटे को नहीं पसंद है, मेरा बेटा नहीं खाता है और मेरी बेटी को ये दाल वाला नहीं पसंद है, वो प्लेन वाला। चीकू को तो आप लोग जानते ही हैं, उसके खाने में बहुत नखरे हैं तो वो प्लेन वाला जो वाइट वाला होता है ना वो खाती है। तो अब देखते हैं खाते हैं कि नहीं खाते हैं, अभी पता चलेगा। अभी तो मैंने बना लिया है, मुझे तो बहुत पसंद आया, मैंने तो खा लिया। इवन मैंने फिर लंच भी नहीं किया था, इसी से मेरा पेट भर गया था। बीच में चलाते रहिएगा, अदरवाइज ना जलने का भी डर रहता है। और इसे मैंने लो फ्लेम पे बिल्कुल नहीं किया था, हाई मीडियम इतने इसी फ्लेम पे मैं इसे फ्राई कर रही थी। बहुत ज़्यादा लो पे नहीं करना क्योंकि ये तो पका हुआ है, हमें सिर्फ इसे अच्छे से क्रिस्पी करना है। तो इसीलिए इसे हाई या मीडियम पे करते रहिएगा, तभी ये फटाफट हो जाता है। और अगर धनिया हो ना आपके पास फ्रेश वाला तो वो और अच्छा टेस्ट देता है। मेरे पास धनिया ख़त्म हो गया था, अदरवाइज़ मैं धनिया भी डालती हूँ, उससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है धनिया पत्ता डालने से। तो ये देखिए हमारा रेडी हो गया है, अब मैं इसे सर्व कर लूँगी और गर्मा गर्म हम लोग चाय के साथ इसे इंजॉय करेंगे। आप ट्राई ज़रूर देना इसे, बहुत टेस्टी लगता है फ्राइड फरा। तो अब मैं दिखाऊंगी, ये देखिए कितना अच्छा यम्मी लग रहा है ना। तो इसको आप केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। और ये देखिए चीकू आ गई है, चीकू भी खा रही है, उसे भी अच्छा लग रहा है। वो देखिए लंबा वाला है ना, उसी को खा रही है, जीरा राई को साफ़ करवा के फिर खा रही है क्योंकि उसे जीरा राई बिल्कुल पसंद नहीं है। और मुझे कही मम्मी आप प्लेन फ्राई कर देना, मेरे लिए तो थोड़े से रखे हैं तो मैं उसको सिर्फ तेल में डीप फ्राई करके दे दूँगी, क्रिस्पी क्रिस्पी वो खाएगी चाट मसाला स्प्रिंकल करके। बट एक दोस्त ने खा लिया था, चलो बहुत अच्छी बात है। शिवम ने भी 2-3 पीस खाया था, ज़्यादा नहीं खाया था, मोस्टली हम ही दोनों हस्बैंड वाइफ ने खाया था। हम लोग को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, हस्बैंड तो टिफ़िन में भी ले गए थे, उन्हें बहुत अच्छा लगा। ये देखिए चीकू की स्टाइल देखिए खाने की। और उसके बाद फिर मैं चीकू को पढ़ाने के लिए थोड़ा सा बैठ गई, फिर वो पढ़ रही थी और मैंने कहा बेटा आप पढ़ो, और उसने कहा मम्मी आप बैठो। तो मैंने कहा बेटा मुझे काम करना है, तो बोले तो मेरा कौन देखेगा। तो मैंने कहा ठीक है मैं कैमरा ऑन कर दे रही हूँ, आप पढ़ाई करो, मम्मा काम कर रही है तो आपको पता, मेरे को पता चल जाएगा कि आप पढ़ रही हो कि क्या कर रही हो। फिर उसके बाद मैं चली गई और चीकू थी, उनकी बुक्स थी और कैमरा थी। उसके बाद आप लोग देख लीजिए वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। इन्जॉय करिए चीकू की मस्ती, मतलब सच है छोटे बच्चों के साथ ना प्रॉपर आपको बैठना पड़ता है पढ़ाने के लिए। बट क्या है थोड़ा सा काम के लिए भी अगर चले जाओ ना तो देखो बच्चों की मस्ती, पढ़ाई बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं बच्चे, एकदम से साथ में ही बैठना पड़ता है। तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा काम निपटा लेती हूँ, इनको लिखने के लिए दे दिया था मैंने होमवर्क, बट देखो क्या कर रही हैं ये। ये इनका फेवरेट टॉय है, ये चीकू को किसी ने गिफ्ट दिया था, उसकी एक फेवरेट दीदी हैं उन्होंने इसको गिफ्ट दिया था। ये देखिए ये है चीकू की पढ़ाई, देखिए किस तरह से ये पढ़ाई कर रही हैं। उसके बाद मैं फिर आई और मैंने फिर आई मैं
मेरे को गुस्सा गुस्सा आ रही थी, पढ़ नहीं रही है, बिल्कुल बैठ के करना पड़ता है एकदम। मैं भी ना परेशान हो जाती हूँ, बिना बैठे कुछ नहीं करती है, फिर देखिए इनकी मस्ती, फिर मैंने इनको डांटा। तो चलिए अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।